Yeah, mic check, 1, 2, and you don't stop. And it goes a hold up, play that tag for me real quick. Hip hop prodigy, stay killing it, fools. Yeah. ट्रेंडिंग स्नीकर्स पहनने का है बहुत ज्यादा शौक. वेल, आपके लिए है एक ब्रेकिंग न्यूज, क्योंकि एम्बियंस आइलैंड गुड़गांव में लगा है इंडियन स्नीकर फेस्टिवल, जो कि 22 से 24 दिसंबर तक होने वाला है, जिसे स्पेशली पेटीएम ने क्यूरेट किया है. तो आइए हमारे साथ चलिए और आपको दिखाते हैं इस फेस्टिवल का माहौल. यहाँ पर लगे हैं बेहद सारे स्टॉल्स, जहाँ पर आप एक्सप्लोर कर सकते हैं 8,000 से लेकर के लाखों तक के स्नीकर्स. वेल, उनमें से एक है सोल दिल्ली, जो कि स्नीकर्स और स्ट्रीट वेयर यहाँ पर एक्सप्लोर कर रहे हैं. तो स्नीकर फेस्टिवल के सोल दिल्ली के हम लोग इस समय एग्जीबिटर्स आउटलेट पर हैं. सो किस रेंज में अभी स्नीकर्स जो हैं आप सेल कर रहे हैं? स्नीकर्स हमारे पास 10,000 से स्टार्टिंग होती है, एंड मैक्सिमम कुछ आपको भी पता है कि कितना अराउंड लैक्स में जाता है. लेकिन हमारे पास अभी 60,000 तक का मैक्स है, विच इज दिस पेयर. ओके, सो दिस पेयर इज वर्थ 60,000. या फॉर 60,000 दिस इज मोका हाई. वेल, अगर स्नीकर्स की पर्टिकुलरली बात करें तो इस समय स्नीकर्स बहुत ज्यादा ट्रेंड में, स्पेशली जो हमारी मिलेनियल वाली जनता है वो स्नीकर्स को बहुत ज्यादा पसंद करती है. सो कौन से ऐसे 5 स्नीकर्स हैं जो मस्ट है किसी के भी वार्डरोब में? सो सबसे पहले तो द मोस्ट डिमांडिंग, विच इज द पांडा डंक्स. ये आपको हर किसी के पैरों में जरूर दिखेंगे. एंड नेक्स्ट इज दिस वन, विच इज द UNC डंक, द मोस्ट लवेबल कलर. This one, this is a multicolor, which is the candy dunks, and it is the best for me. And the next, which one you must have, this one is the Bordeaux slow. And of course, the blue, as I said, Kentucky dunk. These are the must have. तो ये थे मस्ट हैव 5 स्नीकर्स, जो कि हर स्नीकर लवर के कलेक्शन में ज़रूर होने चाहिए. वेल, इसके अलावा अगर किसी को स्नीकर्स का कोई भी आइडिया नहीं है, जैसे कि मैं एक अमेच्योर हूँ, अगर स्नीकर्स की बात करें तो उनको किस स्नीकर्स से अपनी फर्स्ट सेल शुरू करनी चाहिए? सबसे पहले लोगों का मोस्ट डिमांडिंग होता है कि हमें थोड़ा बेसिक कलर चाहिए जो हर किसी के साथ चले, हर ट्रेंड के साथ चले. तो जो मैंने आपको एक दिखाया पांडा डंक, एंड दिस इज द पांडा जॉर्डन लो. सी द कलर, द ब्लैक एंड वाइट. I think this is going to go with every outfit. But yeah. Iski cost ki baat kare, so iski cost kisse start hoti? This is for 12,000. Yeah, and these are starting with 10,000 Panda Dunks. So what is the basic difference in these? These are Jordans. Okay. And these are Nike Dunks. Nike Dunks. Yeah. Okay, to ab sabse pehle Nike Dunks aur Jordans mein kya difference hota hai? Like aajkal I'm sure har koi janta hai, lekin basically logo ko pata nahi hota hai ki in dono mein difference kya hota hai actually. So the most comfortable ones, and जिसपे creasing ना पड़े लोगों को वो चाहिए होता है ताकि वो long lasting रहे. So Jordans पे creasing पड़ना थोड़ा easy नहीं होता, but Dunks पे very quickly पड़ती है creasing. So that is the difference in choosing the pairs and the comfort, of course. So most preferred कौन से होते हैं? Most preferred are both. Okay, thank you so welcome. Much. स्नीकर फेस्टिवल में आप स्नीकर्स खरीदने के साथ साथ उन्हें कस्टमाइज भी करवा सकते हैं स्नीक डैडी के स्टॉल पर. भाई, कस्टमाइज करवाने के लिए क्या करना पड़ता है? कुछ नहीं, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है. यू जस्ट हैव टू सेंड मी द स्नीकर्स. अगर आप हमसे बाय करना चाहते हो तो हमसे भी कर सकते हो. मतलब ऐसे कलरफुल स्नीकर्स? यस. जिस भी डिजाइन में, अगर मैं आपको कोई डिजाइन दूं, यू कैन कस्टमाइज इट अकॉर्डिंगली. आई जस्ट नीड अ लेदर सरफेस. जो भी आप बोलोगे आई विल पेंट इट. You name it, we paint it. Okay, so you name it and he will paint it. Yes. For you. Well, costing की बात करें तो किससे start होती है? With sneakers, our costing starts from 11,000 and it goes above 20,000. ठीक है, तो अगर आपको इनसे customized sneakers, मतलब sneakers with design लेना है, उसकी starting price जो है वो 11-12,000 से लेके 20,000 तक जाती है. वही अगर आपको कोई sneakers दे और सिर्फ customization करवानी है, that starts from 2,000. Okay, उसी customization की cost सिर्फ 2,000 है. मतलब आप कोई भी अपना shoe लेकर के आइए और जो भी design चाहिए वो ये customize करके दे रही है. स्नीकर्स ही नहीं बल्कि बेहद खूबसूरत एक्सेसरीज, यूनिसेक्स एक्सेसरीज जो है वो आपको स्नीकर फेस्टिवल में मिल जाएंगे. वेल, एक्सेसरीज की बात करें तो इस समय सबसे ज्यादा स्ट्रीट ट्रेंड में क्या सबसे ज्यादा चलती है? मैम, सबसे ज्यादा आजकल आपको पता है हिप हॉप चल रहा है. हिप
हिप हॉप का कल्चर चल रहा है, स्पेशली जेंजीज और मिलेनियल्स जो है, वो हिप हॉप में आ चुके हैं। तो अगर एक्सेसरीज की बात करें तो चेन्स, ब्रेसलेट, कौन कौन से टाइप के एक्सेसरीज? बेसिकली वी ऑल डू आइज़ आउट स्टफ, लाइक जो ज्यादा ब्लिंक करता है, जैसे आप मेरे बेसिकली। तो हमारा पास जो आप देख सकते हैं कि जो ऑप्शंस हैं काफी हैं, लाइक सभी मिड रेंज के लिए, हाई रेंज के लिए, सभी के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ ऑप्शंस हैं। तो प्राइस रेंज की बात करें तो किससे स्टार्ट होती है आपकी? स्टार्टिंग फ्रॉम 1000 रुपीस से यू कैन गेट योर, अगर कस्टमाइज कराना है तो कस्टमाइज, यस कस्टम वी डू ओनली इन सिल्वर। ओके, तो सिल्वर में अगर आपको कस्टमाइज्ड चेन्स या फिर ब्रेसलेट्स चाहिए तो वो भी पॉसिबल है। इसके साथ साथ यहाँ पर आई थिंक बहुत कलरफुल रग्स है, रग्स भी है जो कि सारे स्नीकर हेड्स के लिए, ये स्पेशली हमने आज आर्टिस्ट के लिए बनाया है, सीधे मौत जो आज परफॉर्म करने वाले हैं, जो है वो आज परफॉर्म करने वाले हैं, तो उनके लिए ये बनाया है। अदरवाइज जितने भी स्नीकर हेड्स हैं उनके लिए सबसे परफेक्ट आई थिंक, यस इससे परफेक्ट कुछ हो ही नहीं सकता है, शू के शेप में यू गेट अ रग। वेल रग्स की बात करें सो व्हाट्स द कॉस्ट ऑफ, मोस्टली अंडर 4-5000 रेंज। ओके, सो मतलब बहुत ज्यादा कॉस्टिंग नहीं है, बेसिक प्राइसिंग में आपको ये रग्स मिल जाएंगी। तो जितने भी स्नीकर हेड्स हैं, सिर्फ शूज ही नहीं बल्कि उससे रिलेटेड सारी एक्सेसरीज लेने के लिए जल्दी से आ जाइए स्नीकर फेस्टिवल। स्नीकर फेस्टिवल आए हैं तो यहाँ का सबसे अच्छा जूता आपको दिखाना तो बनता है। तो हाय वेलकम, तो आप देख सकते हैं इनके हाथों में है कितने का जूता, 6.5 लाख रुपए का जूता। सो इतना महंगा क्या है भक्यू है भाई, ये जूता क्या है इसमें स्पेशल? सो ये कोलैबोरेशन है, पार्टनरशिप है लुई विटों एंड नाइकी की। अच्छा, इट्स अ वेरी एक्सक्लूसिव पेयर, ये सिर्फ और सिर्फ मतलब इट्स नॉट अ नंबर्ड पेयर, देयर आर नंबर्ड पेयर but very less in quantity, matlab if you wearing this that means you are there theek hai। well iske alawa aur kon kon se sneakers hai jo sabke collection mein hone chahiye? So sneakers ye nahi 6.5 lakh, not everyone can spend obviously, yeah. So we have the range starting at 10000, theek hai 10000 we have basic boots, basic easy slides, that's how you start your sneaker collection। Okay. Aaj ki date mein bhi first shoe le raha hai, so we advise them you know you should go for this or you should go for this। तो अगर कोई स्टार्ट कर रहा है तो उसे सबसे पहला जूता कौन सा खरीदना चाहिए? फर्स्ट शू इज पांडा डंक्स, दिस इज फॉर 12.5000, बट वी कैन नेगोशिएट ऑन, ओके वी कैन नेगोशिएट बिकॉज दिस इज अ क्लासिक पेयर, क्लासिक। So we have every single size in this because this is the first shoe that one usually goes for, but not the first shoe. But this is one of the shoes, yeah, where you, so we call it the holy grail, the holy grail, yes, of sneakers, yes। Well koi celeb jo recent mein ye joota pehne mein dikha hai? Ranbir Kapoor, okay, so animal ye joota, yes, pehne, yes, hai, okay। So when sneakers ki baat kare itne mehenge joote hain, so if you can give a few tips jisse aap inki care kar sakte ho। So sneaker cleaning kits aati hain bahut sari, they are available widely in the market which you can clean them on your own। So, एक तो खुद क्लीनिंग का हो गया, देन आजकल प्रोफेशनली क्लीनिंग अच्छे से है, सो इट्स अ गुड थिंग दैट इंडिया में लेबर थोड़ी सी सस्ती है कंपैरेटिवली बाहर से, सो वहाँ पे अगर आप प्रोफेशनली क्लीन कराते हो एक शू 3-4 हज़ार रुपये सिर्फ क्लीन होता है, इंडिया में यू कैन गेट इट फॉर 600-800 तक, यू कैन गेट इट प्रोफेशनली क्लीन, लाइक इफ यू सी दीज, अब आज मिट्टी मिट्टी हो गया, अभी मैं 600 स्पेंड करूंगा दिस इज ब्रांड न्यू, क्योंकि दीस आर 40000, सो 40000 आई कैन स्पेंड 600 ऑब्वियसली। तो चाहे अगर आप अमेच्योर हो और स्नीकर्स पहनने का शौक रखते हो लेकिन अभी तक खरीदे नहीं है, देन आई थिंक दिस इज द पेयर फॉर यू, पांडा डंक। वही अगर आपको चाहिए रणबीर कपूर वाला लुई विटों एक्स नाइकी का जूता, देन यू हैव टू कम वेयर स्नीकवेयर और ले जाइए ये 6.5 लाख रुपए का जूता। शूज और स्नीकर्स से रिलेटेड एक्सेसरीज ही नहीं बल्कि कपड़े भी मिल रहे हैं। आपको याद होगा ट्रैविस स्कॉट वाला वो एक्सपेंसिव शू, उसी को ध्यान में रखते हुए ये जैकेट भी डिजाइन करी हुई है। वेल हाय वेलकम, सो किस तरीके से आप लोग स्नीकर्स को कपड़ों में इंटीग्रेट कर रहे हैं? सो बेसिकली हमने ये ट्रैविस स्कॉट का जो जूता है ब्लैक फैंटम हाँ जी, उसको लेके ये डिजाइन किया है, दिस इज अ वन ऑफ वन पीस दैट वी हैव मेड, and this well it goes with orange lobsters, okay। So shoes or sneakers ko dhyan mein rakhte hue you're curating your clothes also, well agar jackets ki aur kapdon ki baat kare so kya price range hai? So we start from basically 1500 ish, okay 1500 se you can come and get your customized kapde, yeah, and we go up to like around 10k ish, 10k। So
1500 से लेके 10,000 तक का, जिस हिसाब से आपको कस्टमाइज करवाना है या फिर इनके स्टॉक में से कुछ लेना है, जैसे कि ये ट्रैविस स्कॉट शूज से मैच करती हुई जैकेट, देन दिस प्लेस इज फॉर यू। मतलब इतने महंगे जूते खरीदने के बाद उनको अच्छी केयर देना भी बहुत ज़रूरी होता है। अब हमारे एक्सपर्ट हैं जो हमें बताएंगे कि इन जूतों की किस तरीके से केयर कर सकते हैं। हाय, सो शू केयर इज़ नॉट दैट बिग ऑफ अ डील। मतलब बहुत सिंपली आप घर पे भी, देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू कैन डू टू कीप योर शूज़ क्लीन। नॉर्मल अगर आप जो भी आपके पास कोई सोप वगैरह हो उनसे आप सॉल्यूशन बना के, इट्स अ प्लेन लेदर शू एंड यू कैन जस्ट यूज़ अ डैम क्लॉथ एंड देन जस्ट वाइप इट ऑफ विद इट। If it is a suede shoe, then it is going to be just thoda sa aur tricky that you're going to require some shoe cleaning kit, and so that, because suede is a little tricky material. I don't have it right now abhi, so otherwise I would have shown you guys. But suede ke liye there are specific cleaning kits and all. There are multiple brands like Sneak Care and all, jo they sell these kits. So I think that should be good. Also, क्या स्पीकर्स को खुले में रखना चाहिए या पैक करके किस तरीके से रखना चाहिए? ठीक है, see, it is your thing, so I can't really comment. No, मतलब ऐसा कोई perspective होता है? हाँ, मतलब I at my home I always keep my because it is a asset and a collectible for me, so I always wanted to you know just be visible in my room all the time, so I keep it. I have a lot of sneaker crates in my in my room, so I keep them all in the crate so that they are visible to each and everyone who is visiting. They are like the highlight of my room actually. Well, next year yani 2024 mein sabse zyada sneakers kaun se market mein bikne wale hain jiske upar aapki nazar honi chahiye, wo batayenge hamare experts. Hi, so what I think is ki last few years in the Indian market had been all around GRs because we saw a lot of good general releases. Beat the Panda Dunks. Last year Panda Dunks was selling for around 20-21,000. Now it's down to just 10,000 rupees. So what I feel is aage jaake jo trend jayega, that will be towards the more expensive shoes in the market. Beat the SB Dunks that we have, beat the Jordan 4. Because these shoes, the people who are just started collecting last year or this year, they already have a lot of general releases and now they want to upgrade their collection. Because the Indian market is just behind the United States market. United States market saw this pivot just around 2 to 3 years back. So that is why I'm predicting that starting next year, Indian market will see a huge rise of demand in the more expensive pairs that are available, be it SBs, be it 4s, be it the grails that we have. So that is what my prediction is. Thank you. Well, sneaker festival mein shopping aur enjoyment ke baad, I'm sure sabko bhook lagti hai. Well, uska bhi perfect intizam hai. Yahan par aap apne friends and families ke saath apne favorite stalls se खाना और ड्रिंक्स ले करके फेस्टिवल को और भी कमाल बना सकते हैं। Look at me, take a picture, it'll last longer. The mirror on the wall say I'm getting stronger. तो आई एम श्योर सारे स्नीकर्स हेड को ये स्नीकर फेस्टिवल बेहद अच्छा लगा होगा। तो अगर आप भी स्नीकर हेड हैं या फिर स्नीकर्स का शौक रखते हैं तो जल्दी से आइए द ग्रेट इंडियन स्नीकर फेस्टिवल में, जो कि एबियंस आइलैंड में है 22nd से 24th दिसंबर तक। बड़े बड़े आर्टिस्ट जैसे कि सीधे मौत भी यहाँ पर परफॉर्म करने वाले हैं। स्नीकर्स के साथ साथ आप आर्टिस्ट की परफॉर्मेंसेस को भी इंजॉय करिए और खाना पीना खाइए। और पेटीएम से सबसे आसान है कि टिकट्स कहाँ से खरीदनी है, वेल पेटीएम पर जाइए और ऑनलाइन इसके टिकट्स जो हैं उन्हें खरीद लीजिए। वही बाकी और ट्रेंडिंग कंटेंट के लिए trends9.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। साथ साथ हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।